पापो भाई फ्रिज में तो एक भी सब्जी नहीं है। भाई गो एक भी सब्जी नहीं है करने के लिए, अब क्या करूं? ओ तेरी, बाजार ये मुझे ही भेजेगी। नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा। माँ क्या हुआ? मुझे छुपा दो कहीं पे। छुपाओ? हाँ छुपा दो जल्दी मुझे कहीं पे। घोड़े तेरा पसारा देखा है इतना बड़े, कहाँ छुपाऊ मैं तुझे? आप कुछ भी करो बस मुझे छुपा दो। क्यों करता है तू कांड? एक काम कर, हाँ इसके नीचे छुप जा, चल चल इसके नीचे जा। माँ मैं इतनी सी जगह में छुप जाऊंगा? कैसे नहीं घुसता, मैं घुसाती हूँ। एक काम करती हूँ, इनको सब जलाने के लिए भेजती हूँ। ओ ओ आइक लगा। आ गई मैनर्स लेस। ससुमा ससुमा मैं आपसे बात करी थी ससुमा। आप ऐसे नहीं मानोगे, टोटका करना ही पड़ेगा आपके ऊपर। तो क्या करूं, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही, कब से मैं चिल्ला रही हूं? तुझे तो बस मौके चाहिए करने के। वो सब छोड़िए, आपने इनको देखा? नहीं मैंने नहीं देखा उसको। कुटे गेला हमान उसका है मैं। ये बेटा जा रही वो। जा रही क्या? रहने दो सुन भाई रहने दो। झुक झुक और झुक बन संस्कारी। सुप्रभात सुप्रभात। पप्पा आए पप्पा। क्या हुआ बहुत हड़बड़ी में दिख रही हो? ससुर जी आपने इनको देखा? नहीं नहीं मैंने प्रवीण को नहीं देखा। क्यों ढूंढ रहे हो उसे? नहीं सब्जी करनी है, पर सब्जी करने के लिए सब्जी नहीं है, इनको ढूंढ रही हूँ। सोचा बाजार भेजती हूँ पर दिख ही नहीं रहे कहीं पे। अच्छा होगा यही कहीं देखो। शांत बैठना, पकड़ा जाएगा नहीं तो। तेरे पप्पा बड़े शातिर है। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। क्या बात है आप मंदिर में नहीं गए? मंदिर मंदिर तो मैं सुबह 5 बजे गया था, आप ऐसे सो रही थी। शीला क्या हुआ भाभी? तेरे भैया को देखा? नहीं मैंने भैया को नहीं देखा। कहाँ पे ढूंढो अब इनको। अच्छा भाभी ना आपने मेरा वॉच देखा? टाइटन का तो बहुत महंगा था। क्या वॉच? वॉच मेरा घड़ी। नहीं भाई मैंने तेरा वॉच नहीं देखा। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मम्मी के कमरे में देखती हूँ, शायद उनके कमरे में होगी। हाँ शायद उन्हीं के रूम में होगा, जाओ देखो। वैसे ललिता प्रवीण को कहीं पे देखा? नहीं नहीं मैंने उसको नहीं देखा। कौन है वो? हमारा बेटा है वो, पर नहीं देखा मैंने उसको। सच तो बोल रही हो ना? अरे क्या हमारी शादी को इतने साल हो गए, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं? वही तो नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। मम्मी क्या हुआ? शीला आपने मेरा वॉच देखा? यहाँ पे रखा था शायद मैंने कल। नहीं नहीं मैंने तेरा वॉच नहीं देखा। ठीक से रखती नहीं कुछ, एक दिन खुद गुम हो जाएगी। गलती से भूल जाती हूँ, मैं क्या करूँ? शीला क्या हुआ भाभी? मिला क्या वॉच? नहीं मिला। एक काम कर टेबल के ऊपर जरा देख। टेबल के ऊपर ही देख रही हूँ भाभी, टेबल के ऊपर कुछ नहीं है। खिड़की में देख, खिड़की में, शायद मैंने कल वही पे देखा था। खिड़की में भी नहीं है भाभी। नहीं है? रुक मैं आती हूँ। भाभी नहीं रखा होगा कहती है, मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता, बहुत चालू है। नहीं बैठ लगा, मैंने कल यहाँ पे देखा था साफ सफाई करते टाइम, शायद गलती से मैंने ऐसे ऐसे करते हुए अगर गिर गया होगा। ओ नो भाभी आपने ऐसे कैसे फेंक दिया मेरा वॉच? टाइटन का था वो, बहुत महंगा है। बेड के नीचे गया होगा। नहीं नहीं इसके नीचे कुछ नहीं है। नहीं है क्या? नहीं है। नहीं अगर होगा तो दिख जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। देखने दो तो ये बेड के नीचे। मैंने कहा ना नहीं है इसके नीचे कुछ। देखने दो ना बेड के नीचे, देखने दो, इतना डरती क्यों हो? मम्मी देखने दो बहुत महंगा है वो। देखना चाहिए ना, देखती हूँ मैं। सासुमा देखने दीजिए मुझे। बेस्ट ऑफ लक। क्या हुआ सुन भाई, क्या देख लिया? क्या हुआ भाभी, चूहा है क्या नीचे? चूहा नीचे नहीं होगा, चूहा तो पड़ोस में रहता है। सासुमा तुम ही देखो क्या है बेड के नीचे। ठीक है मैं ही देखती हूँ।
क्या है शीला बेड के नीचे? बेड के नीचे चूहा नहीं, केकड़ा है। कहीं प्रवीण तो नहीं? हाँ ससुर जी, वो कोने में जाके बैठे है और उनके ऊपर ना सासू माँ ने शायद लाल कपड़ा डाला है। प्रवीण, ए प्रवीण। हाँ दिख गया, सिर दिख गया, देखो देखो, उठ बेटा, उठ जा, फूट गया भंडा, मत घुस। और उठता उठता पापा, पापा अटक गए, फंस गया मैं। क्या बेटा, अटक गया, अटक गया। अरे अटक गया तो क्यों घुसता है उसके नीचे? हाँ इसी ने घुसाया होगा, क्यों? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। ये क्या है? मैंने नहीं घुसाया। क्या, क्यों घुसते हो ऐसी जगहों पे जब निकलना नहीं आता आपको? सुन भाई, उसको जाने मत दो, जाने मत दो उसको। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं जाने नहीं दूंगी आपको। ए, साइड आओ। नहीं नहीं नहीं, ये सारा तुम्हारी लाड़ प्यार करने दी जाए। मैंने क्या लाड़ प्यार किया? मैंने कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया, सब तुमने किया है। अरे इसको तो बचपन में सब पीटना चाहिए था। मेरे बेटे, मेरे बेटा। अरे देखो बेटा नाच रहा है कैसे। सुन भाई, पट्टा लाओ। पट्टा नहीं, पट्टा नहीं। ससुर जी, आपने पट्टे का बोला था, पट्टा लाओ। रहने तो सुन भाई, कोई जरूरत नहीं है लाने की। कुछ काम की नहीं है, बस पड़े रहते हैं दिन भर। तू बड़ा काम करती है। मम्मी, आपने मैया को कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ा के रखा है। क्यों किया था उसके नीचे, क्यों घुसा था तू? ससुर जी, इन्होंने जानबूझ के किया होगा। शायद इनको पता चल गया मैं बाजार भेजने वाली हूँ। नहीं पापा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। जाएगा तू बाजार। सुन भाई, इसको पैसे दो, कुछ काम का नहीं है, जा बाजार जाके सब्जी ला। सुन लिया ससुर जी ने क्या बोला? आइए देती हूँ आपको पैसे, घर के हीरो। अबू भाई, घर का हीरो, दिखाओ तुम्हें हीरोपंती। ससुर जी, पागल औरत, पैसे दो। हाँ देती हूँ। कहाँ पे रखे? सब्जी ले लो रे सब्जी, मीना भाई की सब्जी एकदम ताजी ताजी। मीना भाई क्या बात है क्या? हाँ वही है वही है, जाओ उसे सब्जियाँ लेके आओ। मत जाइए आप, मैं इधर से लेती हूँ सब्जी। मीना भाई, आश मैं बच गया। ताई माई अक्का, सब्जी आ गई ताजी ताजी। चाहिए क्या सब्जी? रखो का बर बर, सब्जी ले लो रे सब्जी। मीना भाई, ए मीना भाई, ना आ जाओ नीचे, लेनी है क्या आपको सब्जी? हाँ लेनी है, लेनी है, आ जाओ नीचे। आ जाइए आ जाइए, आज की बूनी तो हो जाएगी। लगता है मीना भाई आ गई, बहुत अच्छा हो गया, सारी सब्जियां खत्म हो गई थी। सोचो मैं नीचे जा रही हूँ सब्जी लाने के लिए, सासू माँ के बादाम काउंटर पे निकाल के रखे, उनको बोलना जैसे ही आती है खाना। हेलो शर्मिला। हेलो सुमित्रा। मीना भाई आ गई है नीचे, चलो सब्जी लाना है। हाँ आ गई नीचे, बहुत अच्छा हो गया, मेरे घर में तो एक भी सब्जी बाकी नहीं थी, अभी इन्हीं को भेजने वाली थी मैं सब्जी लाने के लिए। हाँ मेरी भी सब खत्म हो गई थी, चलो लेते हैं। मेरे लिए जरा रुको। आ जाइए आ जाइए। क्या फिर मीना भाई? आइए शर्मिला ताई। क्या बोल रही है? ठंडी ठंडी क्या, बढ़ती जा रही है ठंडी, बहुत ठंडी बढ़ रही है, खेत में तो बहुत लगती है, पर क्या करें, खाने के लिए चाहिए ना, खाना पड़ता है। हमारे घर में तो बिल्कुल ठंडी नहीं लगती, ब्रांडेड हीटर बिठाया इन्होंने, सब गरम गरम होता है हमारे घर में, ऊपर से मैं हॉट तो पूरा घर हॉट हॉट हो जाता है। शुरू हो गया इसका। मीना भाई ना, तुम्हारी सब्जी ब्रांडेड है? नहीं नहीं ब्रांडेड तो नहीं, पर ताजी जरूर है मेरी सब्जियां। सुमित्रा बहन, रियली सॉरी, सब्जी नहीं ब्रांडेड, इग्नोर हर। क्यों सर मिला बहन, हम लेते हैं। हाँ हम लेते हैं दोनों मिलके। बस बस शशि बहन, मेरे सामने ज्यादा सावेज बनने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं पता मैं भी ब्रांडेड सावेज। बहुत वहां शर्मिला, ज्यादा मुंह खोल के हंसने की जरूरत नहीं है, मक्खी चली जाएगी उसमें। वो कभी कभी खोलती है, आपका तो रोज खुला हुआ होता है। संभल के शर्मिला बहन, नीचे सीमेंट का है, बहुत लगेगा। ऐसा ही होता है दूसरों के ऊपर हंसने का अंजाम, हो गया ना कर्मा। अच्छा बहुत हुआ हंसी मजक, क्या अकेले नहीं बोलो, जल्दी आगे की सोसाइटी में जाना है। लौकी कैसे दिया? 20 का पाव। भाई बहुत महंगा बोल रही हो, 20 का नहीं नहीं कुछ ज्यादा ही है। मुझे दे दो, मेरे लिए सस्ती है। तुम्हारे लिए तो सस्ता ही होगा, तुम ब्रांडेड जो हो। आमिरों की चोंच ले। 2 किलो दे दो। सुमित्रा इतना लेके क्या करोगी? ए तई, लेने दो ना, क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो।
नहीं नहीं मीना भाई, वैसे नहीं बोल रही मैं, पर इनके घर में चार ही लोग हैं। चार लोग कितना लौकी खाएंगे? मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है लौकी, दिन भर दूँ फिर भी बोर नहीं होंगे। बादाम के बाद दूसरा नंबर लौकी का ही आता है। हमारे घर में तो कोई मुंह नहीं लगाता, जैसी लौकी की सब्जी होती हमारे घर में भी कोई नहीं खाता। मुझे तो उसकी बास भी अच्छी नहीं लगती। मीना भाई धनिया कैसे दिया? धनिया 30 की गड्डी। ओए रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। क्या काम करता है धनिया? कुछ काम नहीं करता। क्या बात कर रही हो शर्मिला बेन, धनिया तो सबसे जरूरी होता है, धनिया के बिना कोई सब्जी नहीं। मीना भाई अपमानोगी नहीं, अगर हमारी इनको धनिया सब्जी में दिखा नहीं ना, वो सब्जी भी नहीं खाते हैं। बहुत पसंद है उनको धनिया। अच्छा कुछ ज्यादा ही चोचले आपके हस्बैंड के, हमारी ये तो चुपचाप बेजो बनाती वो खा लेते, कुछ इतना ओहर नहीं करते। अच्छा शशि बहन आपको क्या चाहिए? आप तो कुछ बोल ही नहीं रही, इतना देर से तो बोल ही रही हूं। आपसे तो कम ही बोलती हूँ। मुझे गाजर दो मीना भाई। गाजर दू क्या? मेरे विकास को गाजर का हलवा ना रे, भरता बहुत अच्छा लगता है। आगो भाई भरता? हाँ। कैसे करते है गाजर का भरता, जरा रेसिपी बताइए तो। माफ करना शर्मिला बहन, पर मैं इसे रास्ते पे नहीं सिखाती। अगर आपको रेसिपी जाननी है तो मेरे घर पे आइए, मैं बहुत जल्दी शशि कुकिंग क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। हलवाई ठीक है। लंगूर क्या जाने अंगूर का स्वाद। आ गई शर्वरी एक्सप्रेस। हेलो मीना भाई। हेलो शर्वरी जी। छिपकली ये? वो कल आपके घर में छिपकली घुस गई थी ना। हाँ पता नहीं कैसे घुस गए बदमाश। मैंने ही नहीं खली थी ऐसे, तुमने निकाली और मेरे घर में डाल दी। क्या बात कर रही हो सुमित्रा, मैंने जानबूझ के तुम्हारे घर में नहीं डाली, गलती से चली गई वो। रहने दो, सब पता है मुझे, ऐसे ऐसे आए और ऐसे डाल दिया अंदर मेरे घर में। सारी गलती तो प्रवीण भाई की थी। शशि बहन उनकी क्या गलती थी? देखो शर्मिला बहन, प्रवीण भाई उसको भगाने के लिए गए थे पर खुद भाग गए। देखिए वो किसी से नहीं डरते, उनको छिपकली से गोबिया है। ए शर्मिला फोबिया होता है वो, गोबिया नहीं तेस्ते फोबिया। हमारे ये तो किसी से नहीं डरते। मेरे सुशु तो किसी से नहीं डरते, तुम उनको शेर के आगे खड़ा कर दो ऐसे ही खड़े रहेंगे, बस चूहे से उनको डर लगता है। वो तो लगना ही चाहिए, ऊपर से चूहा ब्रांडेड हो तो और डर लगना चाहिए। कल तो छिपकली थी ना इसलिए डर गए, छिपकली से डरती है वो बचपन से। क्यों? हाँ मुझे बिल्कुल किसी से डर नहीं लगता, बस छिपकली से फोबिया है मुझे। प्रवीण भाई कॉकरोच। काय कॉकरोच काय? शर्मिला डर गए कॉकरोच से भी? जैसे आप भी हंस रहे। श्राक पापा लगता है आप कॉकरोच से भी फोबिया हो गया। बस शशि बहन बहुत हुआ, कब से देख रही हूँ मैं आप सब की उड़ा रही हो। क्या उड़ा रही हूँ? फट्टा है? आपको क्या लगता है आप ये जो सारे करती हो किसी को पता नहीं चलता? सुमित्रा बहन साड़ी क्या होता है? मराठी वर्ड बोला उसने, कुछ समझ में नहीं आया मुझे भी। क्या था वो साड़े? साड़े कुछ खराबी होगा। बहन तुझको अगर बात करनी हो तो हिंदी में बात कर, मराठी में कुछ भी मत बोल मुझे, मैं भी गुजराती में बोल सकती हूँ फिर। तो बोलिए आपका मुँह किसने दबाया? चांपली। हाँ लगता है दोनों के बीच फाइट शुरू होने वाली, अब तगड़ी वाली। तो क्यों झगड़ा कर रहे हो? चिप्स है क्या? चिप्स है? वैसा कुछ नहीं बेचती मैं, सब्जी है ताजी, चिप्स चुप्स नहीं बेचती। जाओ जाओ मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, बिल्कुल इच्छा नहीं मुझे आपसे बात करने की। तो मत कर, क्यों अपने गले को तकलीफ दे रही है? बस लोगों को उल्टा फिर के बोलना आता है और कुछ नहीं आता आपको। क्या उल्टा बोला मैंने? नहीं क्या उल्टा बोला? प्रवीण भाई डरते हैं तो डरते हैं, मानना चाहिए। झगड़ा आपका और मेरा था। ए बाबो कब हुआ झगड़ा? ये जो आप भोला बनती हो ना, आपको क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? ज्यादा भोली मत बनिए मेरे सामने। देखिए झगड़ा हम दोनों के बीच में था, मेरे पति का मजाक उड़ने की क्या जरूरत थी? कब उड़ाया मैंने मजाक? कॉकरोच 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 कौन कर रहा था? मैंने तो उनकी क्या कहते हैं आपकी भाषा में हट्टा हट्टा की। तो ये बात है ठीक है चांपली। हाँ? क्यों आप मेरे मुंह लग रहे हो? नहीं करनी मुझे आपसे बात। बरा बरा मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे बात करने का। मीना भाई मिर्ची कैसे दी? मिर्ची 30 रुपए पाव चल रही है। मीना भाई मुझे भी जरा मिर्ची दो। आगो भाई आप मिर्ची तो बस पाव चल रही है,
आप दोनों को कैसे दे सकती हूँ मैं? किसी एक को ही देनी पड़ेगी। कितने रुपए की है? 30 रुपए। ले लो, सारी दे दो। आता ये क्या है मीना भाई? सबसे पहले मिर्ची मैंने मांगी थी, मुझे मिलनी चाहिए थी। तो क्या हुआ? नहीं तो क्या हुआ? भले ही आपने पहले बोला, पर पैसे पहले मैंने दिए तो मिर्ची सारी मेरी हो गई। दो। ओहो शशि बहन, आप तो पैसों का धाक दिखाने लगी। दिखाइए दिखाइए और धाक दिखाइए। एक ही सोसाइटी में रहते हैं, मैं भी दिखाऊंगी एक दिन धाक। बढ़िया तो ये आपका धनिया नहीं लेनी मुझे कोई सब्जी। कस्टमर चला गया मेरे। लगता है सोसाइटी में नया धमाका होने वाला है, चिप्स तैयार रखने पड़ेंगे।